basic Ubuntu Linux command inside we learn about session number 15. Session number 15 inside we learn about lots of file permission, chain permission like chmod, as well as abbreviation use the chmod, and then 6.13 piping and filtering command, as well as IO redirection symbol. Let us start for next point. This point is revise it. Last we already learned about counting lines, words and character using for WC command, as well as file permission and change permission using chmod. Next, octal number system. You know very well about the permission system. How many totals? 8 minus 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 means what? 0. Minus minus x means what? 1. Minus w minus means hyphen signs means what? 2. Minus wx means 3. R minus minus इसका octal number system है 4. R minus x that code for 5. R w hyphen sign उसका code है 6. And R w x means read, write and execute उसका code है total 7. I hope so ये points आपने note down कर लिया होगा. Important points है, octal का यहाँ पे best way में represent किया हुआ है. Next, change the permission using chmod. यहाँ पे E है, वो silent है. To change the permission, we use the ch command. Chmod command का use, यहाँ पे मैं आपको point clarify करवा रहा हूँ. Proper way में clarification करें. This operation change the permission. हमको क्या करना है? Permission change करना है. Right? ये operation को बोला जाता है change mode operation. Example, make the file read only following the command chmod space ugo. You know very well, u for user, g for group and o for other, and minus r means what? What do you mean by the minus? So uska meaning yahan pe kya hota hai? यहाँ पे परमिशन को रिमूव करना चाहते हैं तो माइनस आर लगाना है, मींस यूजर ग्रुप एंड अदर को रीडिंग करने की परमिशन यहाँ पे डिनाई करने वाला है. और जो इंट्रोडक्शन डॉट टीएक्सटी है वो है फाइल का नेम. राइट, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पीडीएफ, पीडीएफ फाइल को आप ओनली फॉर रीड कर सकते हो, उसमें राइट करने की परमिशन नहीं है. नेक्स्ट, सीएच मोड के अलावा यहाँ पे द कैरेक्टर ऑफ यू, व्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? यूजर, जो ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म किया, G for group एंड O for other. इसके अलावा आफ्टर द एग्जीक्यूट द कमांड इफ वी गिवन द लिस्ट ऑफ द फाइल द आउटपुट विल बी सिमिलर टू द फॉलोइंग कमांड. उसके लिए कमांड कैसे है, जिसे ls minus l कर रहे हो और इंट्रोडक्शन यू नो वेरिएबल, ये क्या है, फाइल का नेम्स है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे परमिशन रीड की अलोकेट हो जाएगी. और यू नो वेरी वेल टोटल कितने आपको यहाँ पे हाइफन साइन मिलेगी, टोटल 10. ये 10 हाइफन साइन का सिंबल है. राइट, नेक्स्ट उसका मैं प्रैक्टिकल भी प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, जिससे कंसेप्ट आपके प्रॉपर क्लियर हो जाए. असाइनिंग राइट एंड एग्जीक्यूट द परमिशन टू द ऑनर. जैसे कोई भी परमिशन आपको असाइन करना है उसके लिए कौन सा सिंबल है? प्लस सिंबल है. और ये न्यू टॉपिक है स्क्रिप्ट 10 और उसके एक्सटेंशन है .sh. अभी तक यहाँ पे हम .txt अप्लाई करते थे, इसके बाद आप ls minus l करके आप स्क्रिप्ट का देखोगे. तो इसके लिए minus r r r, हमने जैसे 2 परमिशन दी यूजर को, wx किया तो यहाँ पे परमिशन अलोकेट हो चुकी है, आप देख रहे हो यहाँ पे. तो दूसरा भी यहाँ पे वही पॉइंट है, हियर द फाइल स्क्रिप्ट 10 इज नॉन एज अ स्क्रिप्ट फाइल. आगे वाली यहाँ पे .txt था, txt, तो उसको क्या बोलते थे हम, टेक्स्ट फाइल बोला जाता था.
और टेक्स्ट फाइल नहीं, यहाँ पे स्क्रिप्ट 10 है, राइट। नेक्स्ट परमिशन के लिए, प्लीज ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करिए। U4 यूजर, G4 ग्रुप, O4 अदर एंड A4 ऑल। सिम, यहाँ पे कोई भी परमिशन आपको असाइन करना है तो कौन सा सिंबल वी कैन यूज कर सकते हैं, प्लस। परमिशन रिमूव करना है तो माइनस है। एब्सोल्यूट परमिशन जो ऑलरेडी हम दोनों देना चाहते हैं तो इक्वल टू यूज करना है। अभी देखो यहाँ पे इक्वल टू का परमिशन असाइन भी करना है, वेरिएबल को भी असाइन करना है जो ऑलरेडी हमने इको कमांड के अंदर यूज किया था, एक्स इक्वल टू 10। दैट्स मीन्स एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 10। जब उसकी वैल्यू डिस्प्ले करना हो तो हम क्या लिखते थे, याद आ रहा है ऐसा कुछ, $x। व्हेन वी क्रिएट द स्क्रिप्ट अगेन वी कैन रिकॉल द वेरिएबल्स एंड इको कमांड, बट उसकी परमिशन टोटल 3 है। कौन सी है, रीड परमिशन के लिए राइट, आर डब्ल्यू फॉर राइट परमिशन एंड एक्स फॉर एग्जीक्यूट। आप देख रहे हो यहां पे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन करके प्रॉपर माइंड में सेट करना। आपको पूछा गया टोटल कितनी कैटेगरी है तो आपका आंसर आना चाहिए 4, UGON। आपको ऑपरेशन पूछा गया तो टोटल 3 सिंबल है, प्लस माइनस एंड असाइनमेंट, बट आपको परमिशन पूछा गया तो 3 है, R फॉर रीड, W एंड X फॉर एग्जीक्यूट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पे कमांड के बारे में क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डाइवर्ट होते हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर Ubuntu कमांड। यू कैन सी हियर ऑलरेडी Ubuntu स्टार्ट है, वी कैन ओपन द टर्मिनल। हम एक फाइल डिजाइन करते हैं विथ कमांड कैट। यस, क्लियर कर देते स्क्रिप्ट कमांड। यहां पे फायर करने से पहले मैं आपको व्यू करवा देता हूं जूम प्लस करके। लाइक एग्जांपल कैट सिंगल ग्रेटर देन, फाइल का नेम मैं लिख रहा हूं यहां पे सैंपल डॉट, ओके सैंपल लगा देते। मैं फाइल के अंदर कुछ ना कुछ टाइप कर देता हूं, कंट्रोल प्लस डी वन टाइम प्रेस करना है आपको। मैं फाइल में से एग्जिट हो जाऊंगा, ओके। नेक्स्ट फाइल को व्यू करने के लिए ls स्पेस माइनस l। तो आप देख रहे हो यहां पे मैंने जो फाइल बनाई थी कैट नाम की, उसके अंदर परमिशन है माइनस w, देखिए rr। अभी ये परमिशन मुझको असाइन करना है, जिसे हमने आगे वाले वीडियो के अंदर हमने कलर कोड के थ्रू समझाया था, बट यहां पे मैं परमिशन देने के लिए या असाइन करने के लिए chmod स्पेस ugo माइनस, देखना चित्र माइनस r, वो परमिशन रिमूव करना चाहता हूं, उसके लिए सैंपल कमांड मिस फाइल का नेम्स है। आई होप सो आपको ये कमांड डिस्प्ले हो रहे हैं। कमांड है chmod, देखो अगेन मिस चेक करो, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था यहाँ पे e टाइप नहीं करना है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना, u फॉर यूजर ग्रुप अदर और परमिशन रिमूव करने के लिए माइनस r और फाइल का नेम। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ कुछ मैसेज नहीं आएगा, बट मैं ls स्पेस माइनस l करके देखूंगा, तब देखोगे तो यहाँ पे जो परमिशन थी सैंपल की, ओके, और यहाँ पे देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे परमिशन मैंने रिमूव कर दिया है। ये फाइल को हम रीडिंग करने की ट्राई करेंगे, जैसे यहाँ पे ये फाइल को मैं ट्राई करता हूँ सैंपल की, तो इसके ऊपर क्रॉस आ चुका है, और जब भी मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो एरर आएगी, क्या आएगा, अननोन, ओके। मैं इसके ऊपर ओपन करने की ट्राई करूँगा तो ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, क्यों, मैंने उसको रीड परमिशन क्या थी रिमूव कर दी है, बट मेरी वी से सर उसको परमिशन असाइन करना है। तो कमांड है chmod स्पेस ugo स्पेस, अभी परमिशन असाइन करने के लिए प्लस आर
और फाइल का नेम, एंटर कर रहा हूं। और अगेन हम ls space माइनस l करके देख लेते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली सैंपल करके डायरेक्टली फाइल का नाम लिखोगे तो ओनली फॉर इसकी परमिशन समझ में आ जाएगी। देखो ये परमिशन असाइन हो चुका है। अगेन मैं प्लेस में जाता हूँ, होम फोल्डर के अंदर क्लैरिफाई करता हूँ, और अब यहाँ पे देख रहे हो ये परमिशन, ये फाइल ओपन हो रही है। मिस मैंने यहाँ पे आपके सामने ही सी एच मोड का यूज करके रीड कर परमिशन दी, वो रिमूव कर ली, मीन्स माइनस यूज करके उसको डिने किया और प्लस करके मैंने असाइन भी कर लिया। अब यहाँ पे व्यू किया थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, आप यहाँ पे कोई भी परमिशन दे सकते हो और रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगेन यही परमिशन देना चाहता हूँ, एक सर डब्ल्यू और एक्स, ओके। अभी ये नहीं चलेगा, क्यों? आप लोग सर इसका यस ये केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे आपको जब ये यूज कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना है। डब्ल्यू और एक्स एक सर दो परमिशन में एलोकेट कर रही हूँ, और अभी मैं एलएस करके देख रहा हूँ तो इसको यहाँ पे सब परमिशन आ चुकी है। अगेन मैं रिकॉल करवा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक सैंपल करके फाइल बनाई, फाइल करके जब मैं एलएस स्पेस माइनस एल किया वो टाइम मुझको यहाँ पे ये परमिशन दी रीड की, बट मैंने दूसरा कमांड फायर किया और वो परमिशन को मैंने डीने किया, मिस रिमूव कर दिया, ओके okay? और बाद में एलएस करके मैंने दिया। तो माइनस का यहाँ पे यूज किसके लिए होता है? परमिशन रिमूव करने के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे सब परमिशन रिमूव हो गया, आपको ये फाइल को रीड करने की भी परमिशन नहीं है। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे जिसे मैंने यहाँ पे उसको रीड परमिशन असाइन कर रहा हूँ, रीड करने की परमिशन दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, बट आप कैपिटल टाइप करोगे तो अलाउड नहीं होगा, इनवैलिड मोड की एरर आएगी। बट मैंने जिसे स्मॉल से एक साथ दो परमिशन अलाइन किया यहाँ पे वो अलाउड है, और आप इजीली देख सकते हो ये सब कुछ यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो ये परमिशन डिनाय और रिमूव करने का ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं इनपुट आयो डायरेक्शन। इनपुट डिवाइस मीन्स व्हाट? जैसे हमारे कीबोर्ड में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सर कीबोर्ड। माउस भी है, पर माउस से एरो की जिसे मैं अभी मूव कर रहा हूं, ये हमारे इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा कौन से इनपुट डिवाइस है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए? लाइक स्कैनर है, राइट, कैमराज अवेलेबल है, माइक्रोफोन है, वो सब कौन से डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। बट अनदर एक्स्ट्रा ओएस के बारे में भी हम क्लैरिफाई कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले द आउटपुट एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन से है? मॉनिटर है, प्रिंटर अवेलेबल है, जेरॉक्स मशीन है। तो आई होप सो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है। प्लीज इसको नोट डाउन करते रह जाना, माइंड में सेट करना, इन फ्यूचर आपको आईटी फील्ड के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अभी आपको यहाँ पे इनपुट के लिए कीबोर्ड तो है ही, आउटपुट के लिए मॉनिटर है, इसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा डिवाइस बोला है और उसके बारे में हम एक्स्ट्रा भी क्लैरिफाई करेंगे। लिनक्स कमांड इज रीडायरेक्शन सिंबल टू चेंज द स्टैंडर्ड इनपुट फ्लो। इनपुट फ्लो के लिए सिंबल अवेलेबल है, जैसे ये सिंबल है, ये कौन सा है, लेस देन या ग्रेटर देन? तो आप लोग बट वेस ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? आउटपुट के लिए। सेम यहाँ पे लेस देन है, देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दिया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस? ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के अंदर है, ऐसे कंप्यूटर के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे सिलेबस में हम कौन सा टॉपिक चला रहे हैं? Ubuntu Linux। तो हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? Ubuntu का। इसके बाद सेम लेस सिंबल, लेस देन सिंबल किसके लिए यूज होता है? इनपुट के लिए, जो ऑलरेडी फाइल को आपको कीबोर्ड के थ्रू परमिशन अलाउड करेगा। जैसे मैं कीबोर्ड में से जो भी एंट्री करता हूँ उसके लिए लेस देन है, और मुझको यहाँ सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है उसके लिए सिंबल आउटपुट के लिए ये ऑप्शन है। अगेन मैं रिकॉल करवा देता हूँ, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वे में जो मैंने रेड फॉन्ट से हाईलाइट किया है प्लीज इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। इसके लिए डब्ल्यू सी माइनस एल लाइन के साथ और ग्रेटर देन इंट्रोडक्शन टू टीएक्सटी करूंगा तो इससे क्या होगा? जिसे हमने कैट के साथ यूज कर चुके हैं, कोई भी फाइल बनाने के लिए कौन सा कमांड है? कैट ग्रेटर देन फाइल नेम, ओके, ये उसका यूज है। उसके अलावा आप डब्ल्यू सी स्पेस माइनस एल इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी, राइट, इसका भी यूज कर सकते हो। एल एस
देन ग्रेटर देन लिस्ट डॉट txt, कोई भी फाइल आपको ट्रांसफर करना हो txt फाइल के अंदर तो भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है. आउटपुट विल बी नॉट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. कई टाइम ऐसा होता है कई फाइल डायरेक्टली फाइल ट्रांसफर होती है, डाउनलोड नहीं होती, जैसे कैट लेस देन या ग्रेटर देन फाइल नेम, तो वो एक्चुअली इनपुट नहीं होता बट उसका डायरेक्टली एक्शन हो जाता है. बट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट जो सिंबल है वो पाइपिंग सिंबल है. पाइपिंग सिंबल मोस्टली वर्टिकल बार के बारे में भी देखा होगा. अब कीबोर्ड में एंटर और बैकस्पेस के बीच में ये सिंबल दिखाई देता है. द पाइपिंग फैसिलिटी हेल्प टू यूज द मोबाइल मल्टीपल कमांड परफॉर्म द सिंगल ऑपरेशन. ये हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. कहाँ पे यूज किया था, मैंने प्रैक्टिकल भी क्लैरिफाई किया था. पाइपिंग सिंबल इज यूज टू प्रोवाइड द आउटपुट वन कमांड एज इनपुट द अनदर कमांड. मीन्स एक साथ हम दो काम कर सकते हैं. उसका मैं बेस एग्जाम्पल दे देता हूँ. ls का काम क्या है, लिस्ट ऑफ द फाइल दिखाना. बट उसके साथ मैंने पाइप सिंबल यूज किया है और wc space minus l means word count with minus l का मीनिंग क्या होता है, लाइन के साथ. ओके चलो एक कमांड में इसमें क्लैरिफाई करवा दो, उसके बाद ही समझ में आए. सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं. मैंने कैल स्पेस 2020 पाइप साइन, इसके साथ मैंने क्या यूज किया था, मोर. तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका मेन रीजन मैं आपको इन्फॉर्म दूँ. कैल का आउटपुट डिफरेंट है, मोर है. मैं एक साथ दो कमांड टर्मिनल के अंदर फायर नहीं कर सकता, बट इनके साथ आपकी विच है तो आपको कंपलसरी इन बिटवीन कौन सा सिंबल यूज करना पड़ेगा, पाइप सिंबल. जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे मुझको आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, तो उसका पाइप साइन का फर्स्ट यूज क्लियर कर देते हैं. दूसरा, जैसे मैं एल एस स्पेस माइनस एल करता हूँ तो मुझको यहाँ पे काउंट करना पड़ता है टोटल कितनी लाइन्स है, 1 2 3. बट मेरी भी से डायरेक्टली मुझको यहाँ पे डिस्प्ले विथ काउंट करके आपको अवेलेबल हो, उसके लिए डब्ल्यू सी पाइप साइन देखना है यहाँ पे इसका यूज, डब्ल्यू सी स्पेस माइनस एल. तो 15 फाइल है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40. और जो एक होती है वो क्या होता है, हिडेंस का टोटल कर फाइल. समझ में आ रहा है, तो ये कमांड हमने फायर किया और कैल का यूज किया. तो ls का आउटपुट डिफरेंट होता है, बट आपकी वी से एक साथ दो कमांड फायर करके मुझको समथिंग डिफरेंट आउटपुट चाहिए, तो ये पॉसिबल है यूजिंग पाइप साइन. क्लियर है इतना, ओके. चलिए रिकॉल कर देना, एक स्मॉल कमांड है वो फायर कर सकते हो आप. अबाउट द कमांड विल बी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल नंबर ऑफ द फाइल इन द करंट डायरेक्टरी. रियल पावर ऑफ द पाइपिंग फैसिलिटी कैन बी अवेलेबल व्हेन वी कैन यूज अलोंग विद द फिल्टर. तो यहाँ पे हम फिल्टर के साथ यूज करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम फिल्टर के बारे में टोटल क्लैरिफाई करेंगे. बट मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, जैसे हैड फर्स्ट फिल्टर है, सेकेंड टेल, थर्ड कट, फोर्थ वन पेस्ट, शॉर्ट एंड यूनिक. ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके. अब अभी इसका परफॉर्मेंस भी नहीं करेंगे, बट मेजर हम हैड टेल कट पेस्ट एंड शॉर्ट के बारे में क्लैरिफाई. बट ये फिल्टर करने से पहले आपको प्रॉपर फाइल बनानी आनी चाहिए. और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ये हैड टेल कट और पेस्ट कमांड फायर भी करेंगे, थ्योरी विद प्रैक्टिकल एज वेल एज हम उसमें Ubuntu Linux के अंदर थ्योरी भी क्लैरिफिकेशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट.